आज के इस टॉपिक में हम सेंट्रो मेयर की पोजीशंस के बारे में पढ़ेंगे कि सेंट्रो मेयर की जो पोजीशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन सेंट्रो मेयर क्रोमोसोम्स कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो है वो है मोनोसेंट्रिक, जिसमें एक सेंट्रो मेयर क्रोमोसोम में प्रेजेंट्स होता है। दूसरा होता है डाईसेंट्रिक क्रोमोसोम्स सेंट्रो मेयर, जिसमें दो सेंट्रो मेयर प्रेजेंट्स होते हैं क्रोमोसोम में। तीसरा है पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम्स, जिसके अंदर दो या दो से अधिक सेंट्रोमियर क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट्स होते हैं। चौथा पार्ट आता है एसेंट्रिक क्रोमोसोम्स, जिसके अंदर जो क्रोमोसोम्स के टूटे हुए पार्ट जो होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं और एसेंट्रिक पोजीशन, और इसमें किसी प्रकार का क्रोमोसोम सेंट्रोमियर प्रेजेंट्स नहीं होता। पाँचवा पार्ट आता है होलोसेंट्रिक, इसमें क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर का डिफ्यूजन्स हो जाते हैं, इसमें बहुत सारे सेंट्रोमियर प्रेजेंट होते हैं और सारे सेंट्रोमियर जो होते हैं वो क्रोमोसोम्स के अंदर ही डिफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इसको होलोसेंट्रिक टाइप का क्रोमोसोम्स कहा जाता है। छठे टाइप का जो क्रोमोसोम होता है उसको हम मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स कहते हैं। जैसे इसमें जो सेंट्रोमियर होता है वो सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है और उसमें जो उसकी जो गुणसूत्र की जो लंबाई होती है वो इक्वल साइज़ की होती है और वी शेप की आकृति का निर्माण करती है। सातवां टाइप का जो क्रोमोसोम्स में सेंट्रोमियर पाया जाता है वो एक्रोसेंट्रिक टाइप का क्रोमोसोम्स इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर हम अगर डाइग्राम में देखें तो ये सेंट्रोमियर क्रोमोसोम्स की एक आर्म के टॉप पर प्रेजेंट होता है और दूसरी आर्म का छोटा सा एक पार्ट उसके अंदर प्रेजेंट होता है, इस कारण इसको एक्रोसेंट्रिक कहा जाता है। आठवें टाइप का जो सेंट्रोमियर होता है उसको सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स कहा जाता है, जो कि एल या जे शेप में होते हैं, जिसमें एक आर्म जो क्रोमोसोम की थोड़ी सी छोटी होती है और दूसरी बड़ी होती है। इस प्रकार पाए जाने वाला सेंट्रोमियर इसके बीच में पाया जाता है, उसकी एल और जे शेप को बनाता है। नाइन टाइप का जो सेंट्रोमियर होता है उसको टीलोसेंट्रिक कहते हैं, जो कि एक आर्म्स के ऊपर ही प्रेजेंट होता है और सेंट्रोमियर पोजीशन इस प्रकार डायग्राम में दी गई स्थिति के अनुसार शो करता है, इसे हम टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर जो स्ट्रक्चर के अंदर हमने द्वितीय संकीर्णन जो देखा, उस द्वितीय संकीर्णन के भी जो सेकेंडरी कॉन्ट्रेक्शन होता है वो भी दो प्रकार का होता है, सेकेंडरी कॉन्ट्रेक्शन फर्स्ट और सेकेंडरी कॉन्ट्रेक्शन सेकेंड। प्राइमरी कॉन्ट्रेक्शन के अलावा जो है वो एक से अधिक अगर कॉन्ट्रेक्शन पाए जाते हैं तो उस कॉन्ट्रेक्शन को हम सेकेंडरी कॉन्ट्रेक्शन कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट जो सेकेंडरी कॉन्ट्रेक्शन होता है इसमें केंद्रीय संकटन यानी न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन रीजंस भी हम इसको कहते हैं, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजंस, केंद्रीय संगठन क्षेत्र भी इसको कहते हैं। इसको इंटरफेस अवस्था के अंदर ये न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन करता है, केंद्रिका का निर्माण ये करने का काम करता है। इसका जो एंटीरियर पार्ट होता है फर्स्ट सेकेंडरी क्रोमेटिक कॉन्स्ट्रक्शन का जो द्वितीय संकीर्णन का जो भाग होता है उसके एंटीरियर पार्ट को हम यहाँ पर सैटेलाइट बॉडी या ट्रेबेंट कहते हैं। इस क्रोमोसोम्स को हम सेट क्रोमोसोम्स भी कहते हैं, जैसा कि डायग्राम्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। ऊपरी पार्ट इसका है जो टीलोमियर कहलाता है, नीचे वाला पार्ट सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन कहलाता है, द्वितीय संकीर्णन ये प्राइमरी संकीर्णन फर्स्ट पार्ट, फिर सेकेंडरी संकीर्णन का फर्स्ट पार्ट, और ये ऊपर पाए जाने वाले सेट क्रोमोसोम्स सेट बॉडी। इसी प्रकार जो हम इस क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर्स के अंदर देख रहे हैं, ये जो पार्ट होता है वो जो क्रोमेटिन पार्ट कहलाता है, रीजन्स कहलाता है, यहाँ पर जो प्रेजेंट्स होते हैं वो क्रोमेटिड्स होते हैं, ये दोनों को जोड़ने वाला सेंट्रोमियर, इसके अलावा हेट्रोक्रोमेटिन रीजन्स
इसके अलावा जो यहाँ डायग्राम में दिखाया जा रहा है वो बीड्स लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोमियर्स होते हैं, और बाहर की ओर सबसे आउटर जो इसकी थिन लेयर्स पाई जाती है उसको हम पेल्विक कहते हैं, अंदर की ओर पाए जाने वाले ये ग्रेनुलर पदार्थ को हम मैट्रिक्स कहते हैं, और ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है जिसको हम यहाँ पर न्यूक्लियोलस इसके अंदर प्रेजेंट होती है, और ऊपर वाला जो पार्ट है ये न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर जिसका अभी हम बात कर रहे हैं, ये न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर का निर्माण करता है। इस प्रकार ये डायग्राम के अंदर क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर को शो किया गया है। जैसा कि हमें डायग्राम में देखने को मिल रहा है, ये वाला पार्ट वो हीटरोक्रोमेटिन रीजन है, ये न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन कहलाता है। इसके नीचे का भाग न्यूक्लियस लस का निर्माण, केंद्रिका का निर्माण करता है। इस प्रकार मैट्रिक्स, क्रोमोमियर्स जो कि न्यूक्लिक एसिड्स प्रोटीन से बना होता है, क्रोमोमिनीमा कहलाता है, ये जीन्स इसके अंदर प्रेजेंट्स होते हैं, ये क्रोमेटिड्स का फॉर्मेशन करता है, और ये डीएनए थ्रेड्स पेलिकल्स का फॉर्मेशन करता है, और ये पार्ट इसका यू क्रोमेटिन रीजन्स कहलाता है, और यहाँ पर सेंट्रोमियर प्रेजेंट्स होता है, और ये हिट्रोक्रोमेटिन रीजन होता है जो कि डार्क रीजन है। इसके अलावा इसकी जो लेंथ होती है वो 1 माइक्रोन से 30 माइक्रोन्स, और डायमीटर जो होता है वो 0.2 माइक्रोन से 2 माइक्रोन इसका होता है। यहाँ इस तरह से ये स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है जो स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स की होती है, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर हमें यहाँ डायग्राम के अंदर दिखाई देती है। इसी तरह डायग्राम में हमें ये टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक सेंट्रोमियर की पोजीशन हमें डायग्राम में हमें दिखाई देती है। इसी तरह यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर के अंदर हमने देखा द्वितीय संकीर्णन में भी, फर्स्ट और सेकंड द्वितीय संकीर्णन सेकेंडरी कंट्रैक्शन हमें इस डायग्राम के अंदर दिखाई देता है। ऊपर वाला पार्ट टेलोमियर कहलाता है, ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन सेकंड, और ये प्राइमरी सेकेंड कंस्ट्रक्शंस, ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन फर्स्ट, ये सैटेलाइट बॉडी जिसे हमने सेट कहा, इसे ट्राइबैंड भी कहा जाता है, ये सेट क्रोमोसोम्स है, इसको न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन्स भी कहा जाता है। इस प्रकार इसको हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन को सेंट्रोमियर या काइनेटोफोर या आरडीएनए भी कहते हैं, ये स्ट्रक्चर के अंदर हमें शो हो रहा है। इस प्रकार हमने इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर देखा, सेट की स्ट्रक्चर को हमने देखा। अब सेट के अंदर जो है सीनो एसिडो और थाइमोन्यूक्लिनो न्यूक्लिको और लेस डीएनए इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ये क्रोमोसोम 13, 14, 15, 21 और 22, और इसके अलावा वाई क्रोमोसोम्स के अंदर नो रीजन्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है। जो फर्स्ट सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो होता है उसके अंदर इसका जो यूज़ होता है उसका हम मार्कर की तरह इसका उपयोग करके करते हैं, जैसे डीएनए रेप्लिकेशंस के समय ये मार्कर के समय यूज़ एज ए मार्कर की तरह इसका यूज़ किया जाता है। जो सेकेंडरी कॉन्ट्रेक्शन होता है उसके ये जो है वो क्रोमोसोम के टूटे हुए सेगमेंट्स जो है वो आपस में जुड़कर इसका निर्माण करते हैं। इस प्रकार जो जो टीलोमियर की जो स्ट्रक्चर होती है जो हमने डायग्राम में देखी है, ये टीलोमियर्स जो होते हैं वो आर्म्स का जो है एंड पार्ट, क्रोमोसोम आर्म्स का एंड पार्ट का निर्माण करती है जिसको हम टीलोमियर्स कहते हैं, और इसको सबसे पहले जो मूलर है उसने 1938 में इस एंड पार्ट को टीलोमियर नाम दिया था। क्रोमेटिन जो मैट्रिक्स होती है उसके अंदर डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स के स्ट्रेन्स होने के कारण जो उसकी क्वालिटी है उसके आधार पर इसे दो भागों के अंदर बांटा गया है, जैसे हिट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। हिट्रोक्रोमेटिन हम उस पार्ट क्रोमोसोम का वो पार्ट कहलाता है जिसमें क्रोमोसोम बहुत ही कम संघनित भाग पार्ट पाया जाता है,
बहुत कम कंडेंस होता है उस पार्ट को हम हीटरोक्रोमेटिन या हीटरोपिक्नोसिस कहते हैं। इस प्रकार ये हीटरोपिक्नोसिस के अंदर ये अगर बहुत पॉजिटिव है तो बहुत ज़्यादा कंडेंसेशन पाया जाता है, तो इस रीजन्स को हम हीटरोक्रोमेटिन कहते हैं। और इसके अंदर वी नेगेटिव है ये, तो ये कम कंडेंस होने पर ये कॉइल या यू एक्सटेंडेड होता है, तो हम इसको हम यू क्रोमेटिन रीजन्स कहते हैं। इस प्रकार जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो दो फॉर्म में अंदर हमें देखने को मिलते हैं, हेटरोक्रोमोसोम्स और यू क्रोमोसोम्स के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम हेटरोक्रोमेटिन और यू क्रोमेटिन के बीच में डिफरेंस देखें तो जो हेटरोक्रोमेटिन है वो जो इसका यूज हर्ट्ज़ ने 1928 में बताया था, और ये कॉइल्ड और फोल्डेड होती है स्ट्रक्चर, और ये डार्क स्टेन होती है। इसके अलावा इसके अंदर जेनेटिकली ये इनएक्टिव होती है, और ये मेटाबॉलिक फॉर्म के अंदर एक्टिव होती है, जैसे न्यूक्लिक एसिड्स और बायोसिंथेसिस और एटीपी मेटाबॉलिज्म को ये कंट्रोल करने का काम करती है। इसके अलावा ये आरएनए की ट्रांसक्रिप्शंस के अंदर, आरएनए का ट्रांसक्रिप्शंस इसके अंदर एब्सेंट होता है। एग्जांपल है जैसे ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर्स का जो वाई क्रोमोसोम्स पाया जाता है वो लगभग हीटरोक्रोमेटिन टाइप का होता है, और ह्यूमन लिम्फोसाइट्स जो होती है उसमें ये टू टाइप्स का होता है हीटरोक्रोमेटिन होता है। जैसे इसेंशियल हीटरोक्रोमेटिन्स ये रिपीटेटिव होते हैं, और आरएनए के लिए ये पॉलीजीन्स इसके अंदर प्रेजेंट्स होते हैं। दूसरा है ये फैकल्टेटिव हीटरोक्रोमेटिन्स जो होते हैं वो एक्टिव जीन्स के रूप में प्रेजेंट्स होते हैं, और ये एम्ब्रियो डिपेंडेंट डेवलपमेंट की जो प्री स्टेज होती है में सेक्स क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करने का काम करते हैं। इसी प्रकार जो यू क्रोमेटिन्स होते हैं वो यू क्रोमेटिन लाइट स्टेनिंग करती है, और ये एक्सटेंडेंट होती हैं। इसके अलावा ये एक्टिव फाइब होती हैं, और ये डीएनए के इंटरफेज में मैसेंजर आरएनए के सिंथेसिस के लिए काम करती हैं।